ये है हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हृदय नगर उज्जैन। वैसे तो इस मालो माँ ने बेटे कई हजार दिए, कुछ ने निज सर्वस्व लुटाया, कुछ ने तन मन वार दिए। इसी मालो माटी के एक बेटे हैं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी। 26 जून 1975, उज्जैन के एक छोटे से गांव ताजपुर के एक साधारण से परिवार में जन्मे चंद्रशेखर बचपन से ही अपने कर्तव्य एवं शिक्षा के लिए पूर्ण समर्पित थे, और जब पिता शासकीय शिक्षक थे तो उनमें भी विद्या के प्रति लालसा स्वाभाविक थी। परंतु माता के आकस्मिक देहांत के पश्चात उन पर कर्तव्यों का बोझ भी बढ़ा। फिर भी पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के पश्चात ग्वालियर के जीवाजीराव विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में MBA किया। अपने विद्यार्थी जीवन में सोलंकी माधव साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे। अभाव में पालन होने के कारण ये दुखियों के दर्द को भी समझते रहे और मन में संकल्प लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जो देश के बहुसंख्यक जनसमाज का हित हो। फिर क्या था, देश सेवा का जज्बा तो पहले से मन में था ही, इसे उड़ान दी पिता की प्रेरणा और संस्कारों ने, तथा मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री महेश माहेश्वरी ने। परंतु मार्ग को प्रशस्त तो इन्हें ही करना था। UPSC की तैयारी के लिए सोलंकी दिल्ली भी गए, पर कोचिंग की फीस सुनकर ही निराश होकर लौट आए। फिर भी हार नहीं मानी, अपने सतत प्रयासों अथक परिश्रम के बल पर बिना किसी कोचिंग और गाइड के UPSC में उच्च श्रेणी में स्थान प्राप्त किया और 2006 की बैच में IPS अफसर बनकर अपने अपरिचित गांव और परिवार को गौरवान्वित किया। चंद्रशेखर सोलंकी की सफलता के लिए मुझे वो खुशी और वो अपार प्रसन्नता है कि शायद किसी को भी नहीं होगी। कौन व्यक्ति अपने बेटा जो कि प्रथम पास हो, पहली से लगा करके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन तक में वो फर्स्ट क्लास रहा, इससे खुशी होकर के मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया। परंतु उन्हें किसी की ट्यूशन नहीं की, बनिस्बत वो पढ़ते हैं तो वहाँ के इस सब्जेक्ट के माइक्रोबायोलॉजी और इनके जैसे कठिन शब्द, इनकी माइक्रोबायोलॉजी थी पहले साइंस क्लब में, तो उसमें वो पूछते रहते थे। और विक्रम विश्वविद्यालय के महाराजा जीवाजीराव की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के ये सदस्य बने थे और वहाँ कम से कम 16 घंटे रोज़ पढ़ते थे। लाइब्रेरी का मेंबर बनाकर वहीं हमने पढ़ाया, ना कोई ट्यूशन करी, ना कोई किसी को ट्यूटर करा, ये खुद ही पढ़ते रहे। पढ़ने के वक्त हम कहते कि बेटा सो जाओ, पर नहीं सोते। 2006 की IPS बैच में चयनित होकर 9 माह की कठोर ट्रेनिंग पश्चात इनकी पहली पोस्टिंग सन 2007 में छतरपुर SP के रूप में हुई। 2008 SP जबलपुर, 2009 SDOP होशंगाबाद, 2010 एडिशनल SP भोपाल, 2010 में ही SP अशोकनगर, 2011 जबलपुर में BSF छठी वाहिनी के कमांडेंट, 2012 SP दतिया, 2015 SP उमरिया, 2019 SP देवास, 1 जनवरी 2020 को पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। दुनिया की इस भीड़ में कई लोग आते हैं और बस यूं ही चले जाते हैं, पर कुछ खास लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों द्वारा
अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। उसी विशेष छवि के एक व्यक्तित्व जिसके कदम जब भी उठे एक नेक राह की ओर उठे, राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित चेतना, कर्मठता और बुलंद हौसलों का जीवंत प्रतीक है भारतीय पुलिस सेवा के उप महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी। एक कुशल नेतृत्वकर्ता सजग, सचेतन और संवेदनशील होकर ही समाज तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का उचित नेतृत्व कर सकता है। यही सोलंकी की कार्यशैली और नैतिक विचारों का मूल मंत्र है। नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सोलंकी ने जिले के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। ये जहां जहां भी कार्यरत रहे, इनकी वैचारिक शक्ति और त्वरित कार्यवाही विशेष सराहनीय रही। जो कोई भी अपनी समस्या लेकर इनके पास पहुंचा, उसे केवल आश्वासन ही नहीं अपितु उचित न्याय भी मिला। 11 फरवरी 2019 श्री चंद्रशेखर सोलंकी ने देवास पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही सबसे बड़ी चुनौती अप्रैल माह में होने वाले लोकसभा चुनाव की थी। हमारा पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी देवास विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और हमारी कोशिश और प्रयास ये रहेगा कि ये लोकसभा चुनाव भी पूरी शांति और सुरक्षा के साथ इसको संपन्न कराया जा सके। ऐसी परिस्थिति में अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सोलंकी ने जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ रूपरेखा तैयार कर शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए। देवास एसपी साहब बहुत युवा और उत्साही अफसर हैं, पूरी तरह से जोश और जुनून से लबरेज। पिछले लगभग 11 महीनों से हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इस दौरान कई चुनौतियां आईं, आम निर्वाचन हुए, कानून और व्यवस्था के बहुत ही संवेदनशील मसले हुए। उन्होंने एक टीम को साथ लेकर काम किया। उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो बहुत ही अनुकरणीय है और कई बार उससे उनकी पूरी टीम उत्साहित होती है। शहर की सबसे प्रमुख समस्या ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने नो व्हीकल जोन तैयार किया, भारी वाहनों का शहर में प्रतिबंध लगाया, मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात सुरक्षा को मजबूत किया, ऑटो मैजिक आदि से वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करवाई तथा स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों से मिलकर उन्हें भी लगातार यातायात के प्रति जागरूक किया। अभाव में पले सोलंकी गरीबों के दर्द से भली भांति परिचित है, इसलिए उन्होंने अशिक्षित और गरीब ग्रामीणों जो कि शासकीय कार्यालयों में जाकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने में असहज होते हैं, उनके घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। विद्यादन मंदिर में के दिन में चोरी हुई सर, और अभी तक कोई चोर गिरफ्तार नहीं हुआ है। सभी अब बताओ कितने कुछ करोगे, अरेस्ट की नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल करूंगा सर, और इनको भी मालूम है, प्रयास रखूं मैं। तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उमरिया और देवास जिले में जन चौपाल की स्थापना की। देश में महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने शहर में रक्षा सूत्र अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत साफ चरित्र वाले ऑटो चालकों को उसका सदस्य बनाया गया, जिसे देर रात अपने काम से लौटकर आने वाली महिलाएं
इन ऑटो में बैठकर सुरक्षित घर पहुंच सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे भूमाफिया अभियान में जिलाधीश श्रीकांत जी पांडे, उप महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर जी सोलंकी ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और आपकी नज़र में लगता है कोई और व्यक्ति जिनके साथ इन अपराधियों ने यदि इस तरह की हरकत की तो हमें बताइए और इन अपराधियों को हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ना सिर्फ इनके जिला बदर ऐसे प्रकरण पेश किए जाएंगे, इनके और अवैध संपत्ति का पता लगा के उनको भी इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा ताकि आम जनता के मन में विश्वास पैदा हो। कई वर्षों से अपनी जमीन, मकान और दुकान आदि पर अवैध कब्जे के कारण कई पीड़ित और मजबूर लोग जब अपनी समस्या को लेकर इनके पास पहुँचे तो इन्होंने उनके आंसुओं को पोंछकर भूमाफिया पर शिकंजा कसते हुए कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया, जो कि वास्तव में सहिष्णुता एवं जनहित कार्यों का एक अनुपम उदाहरण है। स्वागत किया है भूमाफिया जो गुंडे अंतक के दम पर लोगों की जमीनें, मकान, दुकान हड़प रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई करके सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और उसको सफलता का जामा पिलाया देवास के एसपी साहब चंद्र सिंह जी सोलंकी जी ने, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर हर चीज़ का परिणाम देख के सिद्ध कर दिया कि अगर सरकार स्वच्छ है तो प्रशासन को काम करने में भी आनंद आता है। हमारे एसपी साहब की खुशनुमा गुजार है, जो 22 साल पुराना कब्जा आज उन्होंने हमें 2 दिन में दिलवा दिया। ना उसका किराया देते थे, सलीम हफीज अदर ग्रुप से और उन्होंने सभी परेशान कर रखा, उसके कारण हम सभी कुछ परेशान थे। तो आज उन्होंने सर ने, पूरी पुलिस टीम ने जो करा है, एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी सफलता इन्होंने पारदी गेम का खुलासा करके दी, ईरानी चेन स्नेचर अंतरराज्यीय गेम को दबोचा, नकली पुलिस बनकर लूटने वाली अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया और मातमोर जैन मंदिर की डकैती एवं 2 चोरियों का पर्दाफाश किया। जब भी ड्यूटी कर रहे बिना किसी स्वार्थ और चिंता के एकदम निर्भीक होकर कार्य करते रहे। एक कंपनी द्वारा कुछ बच्चों को जबरदस्ती बंधुआ बनाकर कार्य करवाया जा रहा था। आपकी तरफ चिट्ठी जा रही है सर, एसडीएम, सीएसपी, लेबर ऑफिसर, 5 लोग ऑर्डर आपको जारी कर देंगे। हमको सोलंकी की तरफ सूचना पहुंचते ही तुरंत अपनी टीम के साथ वह पहुंचे और न केवल उन बच्चों को प्रताड़ना से मुक्त किया अपितु उन्हें उज्जवल भविष्य भी प्रदान किया। बात जब इनके कार्यों की उठी है तो यह बताना लाजमी हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्विस परिवार के मुकदमे की सफलता का संपूर्ण श्रेय श्री सोलंकी को ही जाता है। स्विट्जरलैंड की एक विदेशी महिला के साथ जब देश में बलात्कार की घटना घटी, दुर्घटना ने पूरे देश को और देश के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया था, तब श्री सोलंकी ने 24 घंटे में तुरंत कार्यवाही कर समस्त आरोपियों को अदालत में प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में उन्हें विदेश द्वारा भी काफी सराहना प्राप्त हुई। लगातार हमको निर्देश देते रहते थे और लगातार हमको समझाए देते हुए और उनके साथ काम करने में कभी लगा नहीं कि वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं। लगातार हमको जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में लेके काम करते थे और सबका हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन निर्देशन रहे, ऐसे ही स्नेह प्राप्त होता रहा। विगत 11 महीने में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो छुट्टी गए हों। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक निरंतर काम में लगे रहते हैं। बहुत कम ऐसे अधिकारी देखने को मिलता है। मेरा मानना ये है कि ऐसे अधिकारी को देवासी लेके आवश्यकता थी। सोलंकी जी अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहते हैं एवं इनका खेल तथा संगीत के प्रति भी काफी रुझान रहा है। काम में मैं ये कहूंगी कि कर्तव्य के पहले कुछ भी नहीं है। जरा एक कॉल आता है और बिल्कुल देरी नहीं करते एक्शन लेने में,
किसी भी स्पॉट पर पहुंचने में कोई आलस नहीं है, कोई लेजीनेस नहीं है, और जितने भी काम उनको दिए जाते हैं सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, उन्हें वो बिल्कुल जोश के साथ पूरा करते हैं, और ये चीज़ मुझे हमेशा से प्रभावित करती रही है। निराशा जब होती है तो उनके मन में, उसको दूर करने के लिए उनकी एक हॉबी है और वो है म्यूज़िक। देवास जो कि अत्यंत ही विकसित शहर है, यह नगर औद्योगिक होने के साथ ही कई सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व भी रखता है। यूं तो देवास में सदैव शांति बनी रहती है, परंतु वर्ष भर विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक आदि गतिविधियों को सुरक्षित रूप से क्रियान्वित करवाने वाले एवं नगर में संपूर्ण शांति व्यवस्था को बनाए रखने का श्रेय भी सोलंकी एवं उनकी टीम को ही जाता है। माँ चामुंडा की टेकरी होने के कारण देवास में नवरात्रि के समय लाखों दर्शनार्थी आते हैं। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन को विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। देवास नगर संपूर्ण पुलिस बल के राष्ट्रभक्ति के जज्बातों को सलाम करता है।